भी फसल है वह पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में बीमा का कोई कार्यालय नहीं है कि किसान वहां जाके क्लेम कर सके, इसलिए किसान को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बीमा कंपनियां अपने मन से किसानों से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑटोमेटिक पैसा काट ले रहे हैं, किसान को जानकारी नहीं हो पा रही है। इस समय सूखा पड़ा हुआ है, किसान जब दौड़ रहा है तो कोई कार्यालय नहीं है कि जाकर शिकायत करें, इसकी सूचना जब विभाग को दी जा रही है कोई कार्रवाई नहीं है। कई 100 करोड़ रुपए बीमा कंपनी किसानों का लेकर बैठ गई है, किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। धरातल पे ये क्या चूना लगाया जा रहा है? ये धरातल पर ये प्रधानमंत्री जी का सबसे असफल किसानों के लिए प्रयास है। में मात्र 36.5 mm बारिश हुई है और इसके बाद कहा जा रहा है जब सबके खेत की जुताई हो जाएगी तब टीम गठित होगी। जब आज गठित नहीं हो पा रहे है, जब फसल लगा हुआ है तो फसल कट जाने के बाद और जुताई हो जाने के बाद टीम जाकर वहां क्या करेगी, कौन सी सर्वे करेगी? किसान आज सोच रहा है कि हमारे यहाँ आए और सर्वे हो, कल के डेट में कौन सी जुताई के बाद कौन सा सर्वे होगा? टोल फ्री नंबर पर किसान क्रेडिट कार्ड से जो पैसा कट जाते हैं उसके टोल फ्री नंबर पर आप फोन करते हैं, टोल फ्री नंबर फोन करने के बाद क्लेम दर्ज होता है, क्लेम दर्ज होने के बाद आपका जो भी क्लेम नंबर रहता है उस क्लेम के प्रोसेस के लिए सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद जो भी आपका नुकसान होता है वो सीधे आपके खाते में आता है। बीमा संबंधित जो भी समस्याएं हैं वहाँ पे उसका दूर करा सकते हैं। बीमा कंपनी या कार्यालय हमारा इलाहाबाद बैंक में, इलाहाबाद बैंक जो है पार्टनर है, हमारी कंपनी का पार्टनर बैंक है। यहाँ पे आप कुछ भी सूचना दे सकते हैं कोई भी किसान, या मेरा नंबर है, मेरे नंबर पर किसी भी किसान का फोन जाता है, मैं 24 घंटे अटेंड करता हूँ।